रेवोल्यूशन आजकल साउथ की इंडस्ट्री में आया हुआ है, जहां से हमें बड़ा टफ कंपटीशन मिल रहा है बॉलीवुड को। जी जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स वो लोग कर रहे हैं जो हम लोग बॉलीवुड में नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि बॉलीवुड का दर्शक जो है वो पूरी तरह कहते हैं डाइवर्ट हो गया है, उसको साउथ की फिल्में बहुत अच्छी लग रही हैं, जी जी कोई भी फिल्म आती है तो वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं हमारे दर्शक, जो जी भले आप कह लीजिए बॉलीवुड को जो पसंद करने वाले लोग थे वो एक तरह से जो ओरिजिनल सिनेमा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों, क्या वजह है? देखिए, वजह तो यही है कि उन लोग हमसे, जैसे एक दौर चला था बॉलीवुड इंडस्ट्री में मनीष भाई, कि हम लोग सिर्फ रीमेक बना रहे थे, साउथ की रीमेक हम लोग बना रहे थे, जो वहाँ हिट हुई हमको पैसा कमाना था, हम लोग ने जल्दी से वही कोई अच्छा बड़ा स्टार लेके हिंदी बॉलीवुड का बना दिया। तो हमारे जो राइटर्स थे वो अब सोचना ही बंद कर दिया, उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट ही नहीं आ रही अभी किसी के ध्यान। तो जब अच्छी राइटिंग ही नहीं होगी, जब आपका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है, तो आप क्या इमारत खड़ा करोगे, क्या आप पिक्चर बनाओगे ऊपर? तो वो उनका एक यही फंडा हो गया कि बस उनका रीमेक करो, इसका रीमेक करो, चलो ये बना दो, तो वो लिखने की काबिलियत ही खत्म हो गई। तो पहले तो उनको अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी बॉलीवुड, और ऑनेस्टली जो अच्छी इमेज वाले एक्टर्स हैं, क्योंकि आजकल इमेज सबका बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि नहीं यार पिक्चर अच्छी है तो चल जाएगी, ऐसा नहीं है मनीष भाई। पिक्चर का, आपका हीरो का इमेज होता है, हीरो क्या होता है, जो आप उसको 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 यू लुक अप टू हिम, यू लुक अप टू अ हीरो, हीरो वर्शिप होता है। जब हीरो की, जब अपने जो काम कर रहे हैं सब जो बड़े बड़े हीरो, उनकी इमेज ही खराब हो गई तो किसको लोगे आप? एक तो राइटिंग अच्छी नहीं है, ऊपर हीरो की इमेज अच्छी नहीं है, हीरोइंस की इमेज अच्छी नहीं है, कुछ लोगों का नाम ड्रग्स में आया, तो हु विल, व्हाई शुड द हीरो वर्शिप यू, व्हाई शुड द ऑडियंस हीरो वर्शिप यू? तो बहुत सारे मामले हैं जो खुल के आए हैं, जिसकी वजह से बॉलीवुड को फेस करना पड़ रहा है ये सब। साउथ में क्या हुआ कि वो लोग ऑलरेडी ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स लिखते थे, और वो लोग का जो एक इमोशनल टच होता है, जो ऑडियंस, जो ह्यूमन से जुड़ता है, वो भी बहुत उनके राइटिंग में नजर आता है। कॉमन आदमी जुड़ जाता है उनकी फीलिंग से, उनके सिचुएशन, उनके सीन से, जो लिखते हैं सीन वो लोग, वो आइडेंटिफाई करता है। तो ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं बॉलीवुड से। तो बॉलीवुड हैज़ टू गो थ्रू अ फुल मेकओवर, मनीष भाई, पूरा मेकओवर करना पड़ेगा, राइटिंग से लेके हीरो की इमेज, हीरोइन की इमेज, प्रोडक्शन हाउस की इमेज, सब खत्म हो चुका है। तो एक्चुअली राइट नाउ देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जहां मैं बैठा हूँ, जहां से मैं देख रहा हूँ बॉलीवुड को, अभी बहुत डार्क, बहुत एक डार्क फेस से और जाना है, तो शुरुआत है, ये शुरुआत है मनीष भाई, और अभी देखिए आगे क्या होता है।